एक बार बाबा की भक्त देवकामता दीक्षित चित्रकूट में भंडारा करवाना चाहते थे। उन्होंने बाबा से सहमति ली और बाबा से चित्रकूट आने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि अवश्य आएंगे और कहा कि भंडारे में 3 संत आएंगे, उन्हें आदरपूर्वक भोजन करवा देना। नवरात्रि में भंडारे का आयोजन तय हुआ। बाबा भंडारे के दिन तक चित्रकूट नहीं पहुँचे, फिर भी दीक्षित जी अपने भाई साहब को घर पर ही छोड़ गए कि जब बाबा घर आए तो उन्हें लेकर चित्रकूट आ जाएं। भंडारे के लिए जब दीक्षित जी चित्रकूट आए, उसी समय से एक अपरिचित साधु धर्मशाला के प्रबंधक के पास उपस्थित थे और भंडारे की तैयारी में लगातार हाथ बटवा रहे थे, उन्हें लगातार निर्देश भी दे रहे थे। बाबा विजयादशमी के बाद कानपुर पहुँचे और डॉक्टर दीक्षित से पूछने लगे कि भंडारा हो गया। जब बाबा के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो बाबा ने स्वयं कहा, अभी नहीं हुआ, कल होगा। द्वादशी के दिन भंडारा हुआ। बाबा डॉक्टर दीक्षित के साथ चित्रकूट गए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। देर शाम तक भंडारा चलता रहा, हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। सायं उन 3 संतों का आगमन हुआ, उन्हें विशेष स्वागत सत्कार से भोजन करवाया गया। जब भंडारा संपन्न हो गया तो उस साधु की भंडारे में सेवाओं के लिए दीक्षित जी ने सोचा कि उन्हें एक ऊनी स्वेटर भेंट किया जाए, क्योंकि वो साधु कई दिनों से लगातार भंडारे के कामों में मदद में जुटे हुए थे। दीक्षित जी एक ऊनी स्वेटर खरीद लाए, परंतु वो साधु अचानक लापता हो गया। धर्मशाला का प्रबंधक भी उसे नहीं जानता था। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं बाबा ही थे। जय हो नीम करोरी बाबा की जय हो, माँ सिद्धि की जय हो। बाबा अपने सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।